सब्सक्राइब कीजिए कंस्ट्रक्शन होम चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सके। हेलो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कंस्ट्रक्शन होम में। तो आज हम देखने वाले हैं 2 BHK प्लान। देख सकते हैं अभी यहाँ पे स्क्रीन पे किस तरह से हमने प्लान अरेंज किया है। जो कि हमारा प्लॉट का साइज है वो है 56 फीट बाय 38 फीट, जिसमें हमने 2 BHK प्लान अरेंज किया है। हमारा जो प्लान का यानी स्ट्रक्चर का जो साइज है वो है 44 फीट बाय 27 फीट। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस साइड में हमने 3 फीट 6 इंच का मार्जिन छोड़ा है, बैक साइड में हमने 4 फीट का मार्जिन छोड़ा है, और यहाँ पे हमने 7 फीट 8 इंच का मार्जिन दिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यह हमारा फ्रंट साइड है और इस साइड पे हमारे रोड रहने वाला है। हमारा जो फेस है हमारे बिल्डिंग का वो नॉर्थ फेस रहेगा, यानी नॉर्थ फेस हमारा जो भी स्ट्रक्चर है वो हमने बनवाया हुआ है। हमने फ्रंट के लिए लगभग 8 फीट 6 इंच तक जगह छोड़ दिया है। हमारा जो बिल्टअप एरिया है यानी हमने अरेंज किया है, जिसमें लिविंग हॉल, बेडरूम, स्टोर रूम, पूजा रूम, किचन, WC बाथ, स्टेयर केस, अटैच टॉयलेट और दूसरा वाला बेडरूम, जिसके लिए हमने टोटली 1,220 स्क्वायर फीट एरिया यूज किया है। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं डिटेल्स में किस तरह से हमने प्लान अरेंज किया है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड, यहाँ पे हमारा एंट्रेंस, जहाँ पे हमने वरांडा अरेंज किया है, जिसका साइज लगभग 12 फीट बाय 5 फीट रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे हमारा है लिविंग हॉल। लिविंग हॉल का जो साइज है वो है 12 फीट बाय 17 फीट। यहाँ पे हमने सिटिंग के लिए अरेंजमेंट किया है। वेंटिलेशन के लिए हमने 2 विंडोज दिए हैं। पहला वाला जो विंडो है जिसका साइज लगभग 5 फीट बाय 4 फीट है, और दूसरा वाला जो विंडो है जिसका साइज 4 फीट बाय 4 फीट रहने वाला है। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारा है पहला वाला बेडरूम, जिसका साइज है 12 फीट बाय 10 फीट। यहाँ पे हमने कपबोर्ड का अरेंज किया है। बेडरूम के लिए हमने यहाँ पे एक विंडो दिया है जिसका साइज 3 फीट बाय 4 फीट रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे हमारा है किचन, जिसका साइज 18 फीट बाय 10 फीट दिया है, जिसके लिए हमने 2 विंडोज अरेंज किए हैं। जो कि पहला वाला जो विंडो है जिसका साइज 4 फीट बाय 4 फीट है, और दूसरा वाला जो विंडो है जिसका साइज 6 फीट बाय 3 फीट रहने वाला है। अभी हमने किचन काउंटर अरेंज किया है। किचन के साथ ही हमने दिया है यहाँ पे डाइनिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे किचन के लिए। किचन के साथ ही यहाँ पे हमारा है पूजा रूम, जिसका साइज है 7 फीट बाय 6 फीट, और उसके साथ ही हमारा है स्टोर रूम, जिसका साइज है 7 फीट बाय 4 फीट 6 इंच। वेंटिलेशन के हमने यहाँ पे 2x2 का विंडो दिया है, और पूजा रूम के लिए पहला वाला जो विंडो है वो है 2x2 का, और दूसरा वाला जो विंडो है वो है 1 फीट बाय 1 फीट का। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा है WC। WC का जो साइज है वो है 4 फीट बाय 3 फीट, जिसके लिए हमने 2 फीट बाय 2 फीट का विंडो अरेंज किया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा है बाथरूम, जिसका साइज है 7 फीट बाय 4 फीट, जिसके लिए हमने 2 फीट बाय 2 फीट का विंडो अरेंज किया है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से हमने स्पेस अरेंज किया है। यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर है, जिसका यूज आप वॉश बेसिन के लिए कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा स्टेयर केस, इस साइड से आप ऊपर जा सकते हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे हमारा है दूसरा वाला बेडरूम, जिसका साइज है 13 फीट बाय 10 फीट, जिसके लिए हमने 2 विंडो अरेंज किए हैं। पहला वाला जो विंडो है जिसका साइज है 5 फीट बाय 4 फीट, और दूसरा वाला जो विंडो है जिसका साइज है 4 फीट बाय 4 फीट। उसी तरह हमने टॉयलेट के लिए 2 फीट बाय 2 फीट का विंडो अरेंज किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप डिटेल्स में, हमारा जो भी आउटर का वॉल है वो हमने 9 इंच का थिकनेस दिया है उसका, और हमारा इनर का जो वॉल है उसका हमने थिकनेस का साइज 6 इंच दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में जरूर बताएं आपको हमारा प्लान कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।